हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। तो बेसिकली आज वाली क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन फंक्शनल ग्रुप। प्रीवियस क्लासेस में हमने इंडिविजुअली सभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी कर लिया था। आज वाली क्लास में अपन स्टडी कर रहे हैं, देखिएगा प्लीज, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप तो बेसिकली आज वाली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और उनका नोमेनक्लेचर आप लोग लिखना सीखेंगे। सुनिएगा बच्चा, फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड the principal functional group as per the priority order। अब priority order क्या है उसके बारे में अपन देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अदर फंक्शनल ग्रुप can be treated as the substituent। बच्चा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा सभी फंक्शनल ग्रुप को आपको एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानना है। सर हमें कैसे पता लगेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा बच्चा, मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा देता हूं। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है सुनिएगा, काश इस एसिड हैलाइड अमाइड एक आदमी याद करा दे, और याद तो करना ही है बेसिकली। देखिएगा अच्छा, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, काश इस एसिड हैलाइड अमाइड नाइट्राइल एल्डिहाइड को एक आदमी याद करा दे, तो कहीं भी आपको सीओएच ग्रुप दिखाई देगा उसको आप लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। और सीओएच के रिस्पेक्ट में सभी ग्रुप्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा, अदर फंक्शनल ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट। राइट सर,
ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है। आगे देखिएगा, नाम कैसे लिखना है। देखो, मान लीजिए आपके सामने ये एग्जाम्पल आ गया। लेट अस सपोज दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल आए हैं। चलिए थोड़ा आसान बना लेते हैं। ये आपके पास लगा है दिया। सबसे पहला काम, यू हैव टू डिसाइड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। वो तो डिसाइड हो गए हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है। जब ये डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होगा, आप जानते हैं इसके लिए आप लोग स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं। दिस इज फाइन। तो इसके जस्ट एडजेसेंट रिंग वाले कार्बन को नाम दीजिए वन। राइट सर, ये साइनाइड लगा है, नो डाउट इट इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप, बट विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड इसको आप लोग कैसा ट्रीट करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप लोग बच्चा क्या यूज करते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं साइनाइड के लिए आपने 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या लिखा था, दैट इज साइनो। राइट सर, देखिएगा बच्चा, ये नंबर वन है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है साइनो। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है ब्रोमो। नंबरिंग ध्यान से करिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान रख के चलिए। वन के बाद नंबर दिया टू, दिस इज नंबर 3, 4, 5, 6। राइट सर, नाम क्या हो जाएगा? इट इज 3-bromo। राइट सर, दैट इज 5-cyno। प्रीफिक्स लिख दिया, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो हेक्सेन 1-carboxylic एसिड। बिकॉज डायरेक्टली यदि ये रिंग से जुड़ा है तो आप लोग बच्चा क्या यूज करेंगे? आप लोग स्पेशल सफिक्स का यूज करने वाले हैं। बच्चा सेकंड एग्जांपल अपन ने देखा, राइट सर। देखिए, मान लो बच्चा आपके सामने ये एग्जांपल आ गया। सुनिएगा, दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल आया, मुझसे बोला गया इसका नोमेनक्लेचर अपन को लिखना है। सबसे पहला काम क्या करें? यू हैव टू डिसाइड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। वो तो डिसाइड हो गए, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट और नॉट? राइट सर। इसको नंबर दे दिया 1। अब बच्चा गलती करता है, बच्चा क्या बोलता है? अच्छा सर, इसे नंबर 1 दिया, अब बता नंबर 2 किसे दे? नंबर 2 इस कार्बन को दे या इस कार्बन को दे? ध्यान रखना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सबका औकात एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह होता है। और आप जानते हैं सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में से छोटा नंबर किसे दिया जाता है? मल्टीपल बॉन्ड को दिया जाता है। नंबरिंग देखिएगा, दिस इज 1, दिस इज 2। बच्चा यहां पे बहुत कॉमन मिस्टेक करता है, नंबर 2 इसे देखिए आ जाता है। गलती मत करना। दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। अब आपके दिमाग में आएगा सवाल। क्या सवाल? मैं बता। अच्छा सर, ये तेरा एल्डिहाइड लग। एल्डिहाइड के लिए आप लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे बिकॉज ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। सर, आपने एल्डिहाइड के 2 प्रीफिक्स लिखवाए थे, एक लिखवाया था ऑक्सो, एक लिखवाया था फोरमाइल। अब मुझे ये बता कौन सा प्रीफिक्स यूज करें? सुनिएगा ध्यान से, इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। इफ कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड इज नॉट कम इन द प्रिंसिपल चेन, देन
फॉर्माइल प्रीफिक्स इज यूज्ड। बच्चा ध्यान रखना, यदि एल्डिहाइड का कार्बन प्रिंसिपल चेन में नहीं आ रहा है, आपको बच्चा फॉर्माइल प्रीफिक्स का यूज करना है। राइट सर, देखिए अपन क्या लिखेंगे इसको, इट इज नथिंग 6-फॉर्माइल। राइट सर, उसके बाद क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, साइक्लो हेक्स 2E 1-कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशल सफिक्स का यूज करना मत भूलिएगा। तो इस तरीका से बच्चा आप कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। राइट सर, कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, सुनिएगा। सुनिएगा बच्चा, मान लो आपके सामने ये एग्जांपल आ गया, आपको बोला गया इसका नाम आपको लिखना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डिसाइड कर लेते हैं। दूसरा सवाल, मान ले ये सवाल तेरे पास आ गया, सुनिएगा बच्चा ध्यान से, ये तेरे पास सवाल आ गया, बोला इसका भी नाम लिखना है। तीसरा सवाल दे, मान ले तीसरा सवाल तेरे पास ऐसा आ गया, है बहुत आसान, मुश्किल नहीं है, ये सवाल आ गया। राइट सर, इन तीनों का नोमेनक्लेचर अपन को क्या करना है बच्चा, डिसाइड करना। देखें एक बार, देखें एक बार, देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा बच्चा, सुनिएगा। सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो तो डिसाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चा इसको नंबर दे दिया 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, 5, 6। राइट सर, आप देख, ये तो तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सबको कैसे ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। राइट सर, देख ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज फाइन, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है, और OH के लिए मैंने 2° प्रीफिक्स प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है, दैट इज नथिंग, इट इज हाइड्रोक्सी। NH2 के लिए प्रीफिक्स बताया था अमीनो, कीटोन के लिए प्रीफिक्स बताया था ऑक्सो। अब तुझे क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है। राइट सर, यदि मैं थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का बात करूं, A पहले आएगा, उसके बाद H आएगा, उसके बाद O आएगा। राइट, व्हाट आई विल राइट, इट इज नथिंग, इट इज 4-अमीनो। राइट सर, उसके बाद 2-हाइड्रोक्सी। राइट सर, उसके बाद 5-ऑक्सो, ये तो अपन ने लिख दिया। उसके बाद 1° प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे, साइक्लिक नहीं है सिस्टम। उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, दैट इज हेक्स, हेक्स के बाद 3E और उसके बाद 1-ओइक एसिड। ध्यान रखना, इस ई को ड्रॉप करना मत भूलिएगा। किसी भी वोवल के बाद यदि आपके पास बच्चा AEYOU आता है तो आप उस वोवल को ड्रॉप कर देंगे। अगले में चलते, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर। सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले ये तेरा लगा है अमीनो, ये तेरा लगा है हाइड्रोक्सी, और ये तेरा क्या लगा है मिथाइल। अल्फाबेटिकली ए पहले आएगा, व्हाट आई विल राइट, इट इज 5-अमीनो।
राइट सर, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? फोर हाइड्रोक्सी, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? थ्री मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट यूज करेंगे दैट इज हेक्स ए वन नाइट्राइल, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको ये बात समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, अगले एग्जांपल पे चल। ये एमाइड लग है, प्रायोरिटी ऑर्डर में एमाइड को पहले देखा जाता है, नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, राइट सर? ध्यान से सर, क्या लिखेगा? इट इज वन कोमा सेवन डाइऑक्सो, या डाइऑक्सो लिख या डाइकीटो लिख, कुछ भी लिख सकता है। उसके बाद क्या लिखेगा? दैट इज ऑक्ट, ऑक्ट के बाद क्या लिखेगा? फाइव ई, फाइव ईन के बाद क्या लिखेगा? वन अमाइड, और ध्यान रख इस ई को ड्रॉप करना मत भूलना, ई को ड्रॉप करके आ जाइएगा। इस तरीका से आप लोग इसका नोमेनक्लेचर डिसाइड करेंगे, राइट सर? कुछ और एग्जांपल देखें, और एग्जांपल देखें, सुनिएगा बच्चा। मान लो यार आपसे बोला गया आई हैव दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ये पहला केस है। दूसरा केस आपको बोला गया आई हैव दिस एग्जांपल, ये दूसरा केस है। तीसरा केस बच्चा आपको बोला गया आई हैव दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, राइट सर? चौथा केस आपको क्या बोला गया, सुनिएगा बच्चा, आपको बोला गया आई हैव दिस पर्टिकुलर एग्जाम, और ये तुम्हारा लगा है एनओ टू। आपको बोला गया चारों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपन को डिसाइड करना, करें डिसाइड। पहले केस पे चलते, काश इस एसिड हेलाइड एमाइड नाइट्राइल एल्डिहाइड को एक आदमी याद करा दे, प्रायोरिटी ऑर्डर में दे, इसको पहले प्रायोरिटी मिल रहा है, डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है, डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है तो स्पेशल सफिक्स का यूज करेगा, ये बात तो क्लियर है। इसके बगल वाले कार्बन को नंबर वन दिया, ध्यान रखना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सबका औकात क्या रहता है? सब्स्टिट्यूएंट का, और सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में से छोटा नंबर किसे देता है? मल्टीपल बॉन्ड को, इट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, राइट सर? सिक्स पे लगा है एल्डिहाइड, क्या एल्डिहाइड का कार्बन प्रिंसिपल चेन में आ रहा है? नहीं आ रहा। व्हाट आई विल राइट, इट इज सिक्स फॉर्माइल, राइट सर? देन आई विल राइट साइक्लोहेक्स टू इन वन स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल, तो बच्चा ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले एग्जांपल पे चलो, ये भी कार्बोक्सिलिक, ये भी कार्बोक्सिलिक, प्रायोरिटी ऑर्डर दे, वो तो देखे लिया, लेफ्ट से करेगा या राइट से नंबरिंग करेगा? लेफ्ट से करेगा, बिकॉज जब लेफ्ट से नंबरिंग करेगा तो मल्टीपल बॉन्ड को नंबर छोटा मिलेगा। सुनिएगा, दिस इज वन, दिस इज टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नाम लिखना, नाम क्या लिखेगा? इट इज हेक्स, देन आई विल राइट टू ई, देन आई विल राइट वन कोमा सिक्स डाइओइक एसिड, दिस इज द करेक्ट नोमेनक्लेचर, राइट सर? अगले एग्जांपल पे चलते, ये नंबर वन दे दिया फंक्शनल ग्रुप, एक दो तीन चार पांच, ऊपर जाइए नीचे मल्टीपल बॉन्ड को देखेगा छह सात, राइट सर? नाम लिखना है, कैसे लिखे नाम सर? देखिएगा,
सबसे पहले क्या लिखेगा, 5-ethyl, उसके बाद है 6-ene-1-al, ई को ड्रॉप करना मत भूलिएगा, राइट सर। अगला केस प्रायोरिटी ऑर्डर देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर छोटा मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तेरा लगा है नाइट्रो, ये तेरा लगा है ऑक्सो, ये तेरा लगा है क्लोरो और ये तेरा लगा है ब्रोमो। अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, बी आएगा, व्हाट आई विल राइट इट इज 2-bromo, देन इट इज 3-chloro, उसके बाद MnOP, एन पहले आएगा, 6-nitro, उसके बाद 5-oxo, उसके बाद वर्ड रूट दैट इज हेक्स, हेक्स के बाद ए 1-oic acid, ध्यान रखना ड्रॉप करना मत भूलिएगा। तो बच्चा इस तरीका से आप इसका नोमेनक्लेचर डिसाइड करेंगे। देखिएगा बच्चा कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं, देखिएगा दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। मान लीजिए आपको ये पर्टिकुलर एग्जांपल दिया गया है, राइट, दिस इज फर्स्ट केस, केस टू आपको ये दिया है, दिस इज सेकंड केस, केस थर्ड आपको ये दिया गया है, दिस इज थर्ड केस, और केस फोर्थ आपको कुछ ऐसा दिया गया है, दिस इज केस फोर, राइट सर। देखिएगा ध्यान से, ये अपन ने नंबर दे दिया 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये बता नंबर 6 किसे दें, एल्डिहाइड वाले कार्बन को दें या मिथाइल वाले कार्बन को दें। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि दोनों साइड से प्रिंसिपल चेन का लेंथ सेम आ रहा है तब आपको खाली खाली एल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबर छोटा देना, या एल्डिहाइड वाले कार्बन को प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड करना, तो नंबर 6 मिल जाएगा इसे। इधर आ जाए, नंबरिंग किया 1, 2, 3, 4, 5, सर किसे नंबर दें। यदि प्रिंसिपल चेन का लेंथ सेम है तभी एल्डिहाइड वाले कार्बन को देखेगा, अदरवाइज लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेगा, दिस इज नंबर 6, 7, 8। इधर आ जाए, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, सर नंबर 6 किसे दें, ओनली एल्डिहाइड वाला कार्बन, दिस इज नॉट एल्डिहाइडिक कार्बन, नंबर 6 इसे देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बच्चा यदि प्रिंसिपल चेन का लेंथ दो साइड से सेम आ रहा है, दोनों साइड से सेम आ रहा है, तब आपको एल्डिहाइड वाले कार्बन को इंक्लूड करना, ओनली एल्डिहाइड वाले कार्बन के लिए ये रूल वैलिड है, राइट सर। व्हाट आई विल राइट, 5 पे मिथाइल लगा, 6 पे आपका ऑक्सो लगा, बिकॉज यदि एल्डिहाइड वाला कार्बन प्रिंसिपल चेन में आएगा, व्हाट प्रीफिक्स आई विल यूज दैट इज ऑक्सो, व्हाट आई विल राइट इट इज 5-methyl-6-oxo, देन आई विल राइट इट इज हेक्सेन 1-oic acid, और इस ई को आप लोग ड्रॉप करना मत भूलिएगा। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, व्हाट आई विल राइट इट इज 5-formyl, देन आई विल राइट इट इज octane 1-oic acid, अगेन ई को आप ड्रॉप करना मत भूलिएगा।
अगले केस पे चलिए. व्हाट आई विल राइट, इट इज फाइव साइनो, राइट सर? देन आई विल राइट, व्हाट आई विल राइट, फाइव साइनो, इट इज हेक्सेन, वन ओइक एसिड. ई को आप ड्रॉप कर दीजिएगा. अगला केस आई विल राइट फाइव साइनो, दैट इज ऑक्टेन, वन ओइक एसिड. अगेन बच्चा आप ई को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे. तो इस तरीका से आप नोमेनक्लेचर डिसाइड करेंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, राइट सर? आगे देखिएगा, आगे देखिएगा बच्चा, सुनिएगा ध्यान से. मान लीजिए आपके सामने ये सिचुएशन आ जाए, राइट सर? दूसरा केस आपके सामने ये आ गया, राइट सर? तीसरा केस आपके सामने ये आ गया, दैट इज राइट सर. नोमेनक्लेचर कैसे, ध्यान से, ये नंबर वन है, दिस इज नंबर टू, दिस इज नंबर थ्री, फोर इसे देगा या इसे, चार मिलेगा उसे. ओनली एल्डिहाइड वाला कार्बन. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग. इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करता है, हेलो फॉर्माइल. हेलोजन क्या लगा है, सीएल लगा है, तो क्या लिखेगा, क्लोरो फॉर्माइल. व्हाट आई विल राइट, इट इज थ्री क्लोरोफॉर्माइल. उसके बाद आप लिखेंगे ब्यू, टू ईन, दैट इज वन ओइक एसिड. और बच्चा ई को आप लोग ड्रॉप करना मत भूलिएगा. अगला केस देखिए, वन टू थ्री फोर, इसके लिए प्रीफिक्स क्या बताया था, कार्बामोइल. व्हाट आई विल राइट, थ्री कार्बामोइल. देन व्हाट आई विल राइट, इट इज ब्यू, टू ई, वन ओइक एसिड. और ई को बच्चा ड्रॉप करना मत भूलिएगा. आगे देखिए, दिस इज नंबर वन, ऑब्वियसली दिस इज टू थ्री फोर फाइव सिक्स. व्हाट आई विल राइट, इट इज थ्री फॉर्माइल साइक्लो हेक्सा यूज करेंगे, हेक्सा यूज करेंगे. 2.5 डाइईन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. बिकॉज जब भी COH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है, देन यू हैव टू यूज स्पेशल सफिक्स इन दोस केसेस. आगे अब बात करते हैं एस्टर की. एस्टर के लिए दो प्रीफिक्स लिखवाए थे, याद कर, एस्टर की बात याद कर. एस्टर के लिए दो प्रीफिक्स देखे थे, याद कर. 2° प्रीफिक्स देखा था, एक देखा था एल्कोक्सी कार्बोनाइल और दूसरा देखा था एल्कानोइल ऑक्सी, राइट सर? देखिएगा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, एल्कोक्सी कार्बोनाइल एल्कानोइल ऑक्सी. मान ले ये प्रिंसिपल चेन है तेरा, समझ ध्यान से. मान ले प्रिंसिपल चेन से एस्टर का कार्बन जुड़ा, राइट सर? तो इस केस में तो प्रीफिक्स क्या यूज करेगा, एल्कोक्सी कार्बोन. क्या यूज करेगा, एल्कोक्सी कार्बोनाइल. मान ले एस्टर का ऑक्सीजन जुड़ा, तो इस केस में तो प्रीफिक्स यूज करेगा एल्कानोइल ऑक्सी. ये तो दो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल चेन से क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है या ऑक्सीजन जुड़ा है, उसी के बिहाफ पे तुझे प्रीफिक्स डिसाइड करना है.
मैं तुझे एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता। मान ले तुझे बोला गया, ये एग्जांपल अपन को दिया है, सुनिएगा ध्यान से, दिस एग्जांपल इज गिवन टू यू, बोला इसका नोमेनक्लेचर लिख, राइट सर। देखिएगा सबसे पहले नंबरिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट सर। डायरेक्टली जुड़ा है कार्बन, कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है प्रिंसिपल चेन से, प्रीफिक्स यूज करेगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी ग्रुप ये वाला है, इसको बोला जाता है मिथोक्सी, तो बच्चा इसका नाम तो हो जाएगा मिथोक्सी कार्बोनाइल, राइट सर। ऊपर चल, इसके लिए क्या यूज करेंगे, एल्कानोइल ऑक्सी, एल्कानोइल की बात करें दो कार्बन लगा है, दो कार्बन के लिए यूज करेगा इथानोइल ऑक्सी, मान ले तीन कार्बन होता प्रोपानोइल ऑक्सी। अब नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकली, ई पहले आता है बट आई विल राइट 4 इथानोइल ऑक्सी, उसके बाद 5 मिथोक्सी कार्बोनाइल, और लास्ट में क्या लिखेगा, हेप्टेन 1 ओइक एसिड। ध्यान रखियो ई को ड्रॉप करना मत भूलिएगा। तो इस तरीका से आप एस्टर्स के लिए प्रीफिक्स को डिसाइड कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसमें भी अपन चलो एस्टर को इंक्लूड कर लेते हैं, बिकॉज एस्टर का प्रीफिक्स बच्चा जनरली यूज नहीं कर पाता। देखिएगा लास्ट एग्जांपल, मान ले तेरे पास ये सवाल दिया है, दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू, सुनिएगा, ये लगा, ये तो नंबर 1 फिक्स हो गया। इसके लिए 1, 2, 3 ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा है, व्हाट आई विल राइट, दैट इज व्हाट आई विल राइट, इट इज नथिंग, इट इज प्रोपानोइल ऑक्सी, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपानोइल ऑक्सी, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथोक्सी कार्बोनिल। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है बट आई विल राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज 3 इथोक्सी कार्बोनिल, उसके बाद क्या लिखेगा, 5 प्रोपानोइल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीका से बच्चा आप लोग नोमेनक्लेचर डिसाइड कर सकते हैं, राइट सर। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।